फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ट शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं firstbite.tv। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने इस बार पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है। बाराजुल्ला इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार दोपहर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद दोनों जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला उस वक्त किया जब वह श्रीनगर एयरपोर्ट को श्रीनगर शहर से जोड़ने वाली सड़क की सुरक्षा में तैनात थे। बगल में बगात बाराजुल्ला का थाना भी है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि आतंकी किसी गली से आए और पुलिसकर्मियों पर नजदीक से फायरिंग करके फरार हो गए। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI ने इस हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है किस तरह आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और फिर भाग गए। घायल पुलिसकर्मी मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं 72 घंटे के अंदर आतंकियों ने श्रीनगर से दूसरी नापाक हरकत की है। इससे पहले विदेशी राजनयिकों को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन शहर के सोनवार क्षेत्र में हमला किया गया था। सोनवार में हुए हमले में कृष्णा धावा का एक कर्मचारी घायल हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।